हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंह में पानी लाने वाली इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। यह एक सिंपल रेसिपी है, आओ देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इमली की चटनी की शुरुआत करते हैं गर्म पानी करने से। गर्म पानी होते ही मैं इसमें इमली डालूंगी। मैंने इस भगोने में 2 गिलास पानी डाला है। इसके गर्म होते ही मैं इसमें इमली डालूंगी। गरम पानी हो चुका है, अब मैं इसमें 150 ग्राम इमली डालूंगी और इसे सॉफ्ट होने दूंगी। लोगों के पास टाइम हो तो आप 1-2 घंटे पहले इमली को भिगो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप या आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप इसे इस तरीके से गर्म पानी में भी घोल सकते हैं। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही रहने दूंगी जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इमली अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसको छानूंगी। अब मैं इमली के पानी को छन्नी से छान लेती हूँ। इसका जितना भी पल्प है उसे अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। जितना भी एक्सट्रैक्ट है इसे मैं 1 चम्मच की सहायता से दबा दबा के निकालूंगी। इसे अच्छे से दबा के निकालूंगी। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, अब इस पानी को मैं उसी भगोने में ऐड करूंगी और अच्छे से बॉईल करूंगी। अब मैं इस डेगची में इमली का पानी ऐड करूंगी। और अब हम इसे उबालेंगे। इमली का पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें गुड़ डालूंगी। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 कटोरी गुड़ डाला है। अब इस गुड़ को मैं मेल्ट होने दूंगी। आप गुड़ की जगह इस चटनी में चीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, चीनी से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच सौंफ डालूंगी और इसे 5 से 7 मिनट पकने दूंगी। इसे मैं मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। इस चटनी को मैं बीच बीच में हिलाती रहूंगी। आप इस चटनी को समोसों के साथ और दही भल्ले के साथ तो इस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। दही बड़े, दही भल्ले, टिक्की, इन सब के साथ हम इसको इसका यूज़ कर सकते हैं। इस चटनी को हम स्टोर करके फ्रिज में 15 डेज रख सकते हैं। ये चटनी खराब नहीं होगी। आप इस चटनी को इस टाइम पे भी बंद कर सकते हैं अगर आपको इतनी पत्ती चाहिए, पर मुझे थोड़ी सी गाढ़ी चटनी पसंद है इसलिए मैं इसे 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी। ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं इसे 1 से 2 मिनट पकाऊंगी। ये चटनी अच्छे से बन चुकी है, अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ठंडी होने के बाद ये चटनी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। आप इस चटनी को किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इस चटनी को एक बॉल में निकालूंगी। इस चटनी को आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ठंडी होने के बाद ये चटनी और गाढ़ी हो जाएगी। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।